हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में जिन छात्रों का मार्च में ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो या फिर थर्ड सेमेस्टर का, यूजी का हो या फिर पीजी का, हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उसमें से आप में से बहुत सारे छात्रों के एग्ज़ाम के रिजल्ट में जो है अब्सेंट दिखा दिया जाए, या फिर जो है रिजल्ट अवेटेड बता दिया जाए, या फिर कोई और कारण बता दिया जाए और आपको जो है एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाए। तो इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपको अभी क्या करना है जिसके कारण जो है आपके रिजल्ट में इस तरह की समस्या जो है ना झेलनी पड़े। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि एसएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जो है पूरी सवाल और पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों बता दूं कि पिछले साल जो है जिन छात्रों ने ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम दिया था उनमें से हज़ारों छात्र जो है अलग अलग कोर्सेज के, उनके रिजल्ट में या तो उन्हें जो है फेल कर दिया गया, या फिर उन्हें अब्सेंट बता दिया गया, या फिर जो है रिजल्ट अवेटेड, या फिर और कोई कारण बता दिया गया कि आपने जो है एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, और उन्हें जो है बहुत सारे छात्रों को जो है फेल कर दिया गया, और जिसके कारण जो है उन्हें दोबारा से अब जो है रिपीट करना पड़ा है या फिर जो है उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना हुआ है। तो इसीलिए जो है आपको ये गलती नहीं करना है। आपको इस साल भी जो है जो छात्र रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो आप में से भी जो है बहुत सारे ऐसे छात्रों के पास में ये जो है समस्या होगी, क्योंकि एसओएल की तरफ से जो है इस तरह की समस्या बार बार जो है देखने को मिलती है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार भी जो है ये समस्या आप में से बहुत सारे छात्रों के पास होगी। तो आपको करना ये है कि जो भी आपने ओपन बुक के माध्यम से अभी जो है हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो जो है यूजी का हो या फिर पीजी का, जो भी आपने जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है उस सभी सब्जेक्ट का जो आपने स्कैन किया हुआ फ़ोटो आपने जो एसओएल को सेंड किया होगा, एक तो उसका जो है आप अपने पास स्क्रीनशॉट रखें, और दूसरा जो है आप जो भी पेपर का आपने एग्ज़ाम दिया है उन सभी सब्जेक्ट को जो है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर फ़ोन में जिस माध्यम में भी जो है आप उसको सेव करके रख सकते हैं, उस हर एक पेपर के जो है आंसर शीट को अपने पास सेव करके रखना है जब तक कि आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपका जो है सही रिजल्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम में अब्सेंट कर दिया जाता है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तब भी, या फिर फेल बता दिया जाता है, जीरो नंबर दिया जाता है, तो ऐसे में जो है आपके पास ये जवाब रहेगा कि हमने तो एग्ज़ाम दिया है और ये देख लो, तो आप जो है हमें किस तरह से अब्सेंट कर सकते हो, एग्ज़ाम में किस तरह से जो है हमें फेल कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप एसओएल को जो है बता सकते हो और उनसे जो है अपने रिजल्ट को जो है सही करवा सकते हो। तो ये जो है आखिरी ऑप्शन है। और भी कोई दिक्कत हो रहा हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और कुछ नई जानकारी आपको जो है मिल गई होगी जो कि आपके रिजल्ट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। क्योंकि पिछले साल जो है हज़ारों छात्रों को जो है अलग अलग कोर्सेज में जो है एक तो अब्सेंट दिखा दिया गया, जिन छात्रों ने असाइनमेंट दिया था उनका भी, और जिन छात्रों ने ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम दिया था उनका भी। तो अब जो है आपको ऐसा नहीं करना है गलती। आप जो है अपना जो है फोटो है उस डिलीट मत करिएगा अपने जो भी फ़ोन है, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है उसमें से, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे छात्रों ने जो है एग्ज़ाम देते ही जो है आंसर शीट को जो है डिलीट कर दिया था, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, इसके वजह से जो है उनका रिजल्ट जो है ठीक नहीं हो पाया और उन्हें जो है दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, अपना रिजल्ट जब तक डिक्लेयर ना हो आप जो है आंसर शीट जो है डिलीट मत करिएगा, अपने फ़ोन में, कंप्यूटर या लैपटॉप में, जहां भी आप सेव करके रख सकते हैं उसे सेव करके ज़रूर रखिएगा। बाकी और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।